देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में पुलिस की बिना अनुमति लग रहे हैं कार्तिक मेला। ढाई घाट को बलपूर्वक उखाड़ने का किया जा रहा है प्रयास। जी हां, पूरा मामला शाहजहांपुर मिर्जापुर से है। बिना अनुमति ढाई घाट तट पर लग रहे हैं सुप्रसिद्ध कार्तिक मेले में बड़ी संख्या में दुकानदार अपनी दुकानें लेकर गंगा तट पर पहुंच रहे हैं। वहीं तमाम दुकानें लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस बिना अनुमति मेले में दुकानें लग रही हैं। वहीं दुकानदारों से दुकानें उखाड़वाने की पूरा जोर कोशिश की जा रही है। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। किस तरीके से आप यहाँ मेले पे दुकान लगाए, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या पुलिस कह रही दुकानें उखाड़ो, नहीं शाम को 4 बजे लाठी चार्ज करेंगे, और जल्दी उखाड़ो जाओ। मैं सब लोग दुकानदार छोटे बड़े आए, 2 साल से मेला नहीं हो रहा, सब लोग परेशान तो आए हैं कि चलो मेला होगा। साहब किसकी अनुमति पर आपने यहाँ पर दुकान लगाई थी, किसने आपको ये सूचित किया था? मेला तो सदियों से चला आ रहा, हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस बार मेले को प्रशासन ने स्थगित कर दिया। पहले हुआ था कि मेला होगा, फिर किया दिया गया कि मेला नहीं होगा। मेले में कचकच है, और कचकच है नहीं ना, कुछ भी है, मेला सूखा है सब कुछ, और मेला को दुकानदार आ गया, हजारों दुकानें तन गई, गड़ गई, और जो है पुलिस भगा रही है। क्या कुछ सर, पहले पेपर में निकल गया कि मेला लग रहा है। हमने अमेठी से यहाँ तक गाड़ी लोड करके आए, ये लोग कहें कि अपने रिस्क पे दुकान लगाओ। हम अपने रिस्क पे दुकान लगा रहे हैं, फिर पुलिस आकर के क्यों बदतमीजी दुकानदार से कर रहे हैं? क्या बदतमीजी की? गाली गुप्ता बक रहे हैं कि यहाँ सटा ले, यहाँ तुम्हें कौन बुलाया है, कौन दुकान लगवाने का बदतमीजी बोल रहे थे अभी खड़े होकर के। कौन पुलिस वाले थे? एक दरोगा है, अभी आए हैं, वही बक रहे थे उल्टा सीधा। हमने नाम हमें याद नहीं है। हमें ये नहीं, मिर्जापुर की है पुलिस से। जब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे मतलब नहीं, हम मेला लगवा रहे हैं, तो दुकानदार अपने रिस्क पे आ रहे हैं, अपने रिस्क पे लगा रहे हैं, तो क्यों दुकानदार को परेशान किया जा रहा? नहीं लगानी। तो किस तरीके के आदेश मिले हैं मेले के लिए? आदेश केवल ये लगे हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे वो केवल स्नान वाले दिन नहाएंगे और चले जाएंगे। काफी दुकानें लग चुकी हैं, काफी दुकानें लग चुकी हैं, उनके लिए मना किया गया। उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई मेला स्थगित है, आप दुकानें ना लगाएं, आप अपनी अपनी ले जाएं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है 18-19 तारीख में। ये इसके बारे में उच्च अधिकारी जाने कि करवाएंगे कि ना करवाएंगे। इसके